सीएम उद्यम योजना 2023 के 1745 लाभुकों का, यानी सीएम उद्यम योजना में 2023 के 1745 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि 69.80 है ना 69 जो है इतना करोड़ राशि। उद्योग मंत्री बोले हैं कि मुख्यमंत्री उद्यम योजना के लाभुक बिचौलियों से बचे रहे हैं, और इसमें देखेंगे कि इनका ये काम। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ए स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAEMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहना है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के जो 2023 के 1745 लाभुकों को प्रथम किस्त के रूप में 69.80 करोड़ की राशि दी गई है। सोमवार को उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि योजना के लाभुक बिचौलियों से बच्चे जो 10 लाख रुपए से अपना व्यवसाय चालू कर रहे हैं उन्हें लाभ लेने में 6 माह से 1 साल तक का समय लग जाएगा। तो व्यवसाय करने में आपको 6 माह से 1 साल तक का समय, देखिए यहाँ पे बोल दिया है कि भाई इसमें जो व्यवसाय जब चालू करेंगे ना इसको लाभ लेने में कम से कम आपको 6 माह 1 साल तक का समय लग सकता है, लेकिन जब एक बार उद्योग चल निकलेगा तो आप सभी उद्यमी हर महीने 1 लाख से 10 लाख रुपये कमा सकते हैं। A few moments later. यहाँ पर देखेंगे कि बियाड़ा जो क्षेत्र है उसमें सुविधा बढ़ाई जा रही है, योजना की पूरी प्रक्रिया और हर सूचना पोर्टल पर दी जा रही है। उद्यमियों से सभी हर आवेदन को पोर्टल के माध्यम से ही लिया जा रहा है। अब प्रक्रिया उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने जो महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हुए क्या बोला कि देखिए महिला जो उद्यमी है महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि जब महिलाएं आगे बढ़ेगी, महिला पर बहुत जोर दे रही है तो उसका पूरा समाज और परिवार आगे बढ़ेगा। प्रधान सचिव संदीप पौंडिक ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के लिए 3 जनवरी को कंप्यूटराइज तरीके से लाभार्थी का चयन किया गया। 1745 लोगों को चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान, ललित नारायण मिश्रा प्रशिक्षण संस्थान और सीपीट हाजीपुर भागलपुर उद्यमिता विकास संस्थान पटना में उद्यमिता का प्रशिक्षण लिया गया। प्रशिक्षण के उपरांत सभी को 4-4 लाख के रुपये प्रदान की गई। इस योजना में 2021 से 2022 में, यहाँ पर देखेंगे ना तो इसमें क्या है कि 2021 से 22 में प्रथम किस्त की राशि इस योजना में 2021 से 22 में जो है 152 करोड़ 85 लाख 2022 से 2023 में 15 फरवरी तक 1237.17 करोड़ की राशि प्रदान की गई। प्रति इकाई 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें मैं इसमें हाँ देखिए यह क्लियर इन्होंने किया है, क्या क्लियर इन्होंने किया है उससे देखिए कि जो राशि है ना 10 लाख की तो 50% राशि अनुदान के रूप में और 50% ऋण के रूप में होगी। इसमें क्या है कि SC ST अति पिछड़ा वर्ग और महिला उद्यमियों को ऋण ब्याज मुक्त है, और जो इसमें क्या है कि जबकि युवा उद्यमी योजना के तहत जो होगा इसमें युवा उद्यमी योजना के तहत स्वीकृत ऋण पर 1% के ब्याज का प्रावधान है। मौके पर उद्योग निदेशक पंकज दीक्षित, हस्तकरघा व रेशम निदेशक विवेक रंजन मैत्रेय, विशेष सचिव प्रधान सचिव आलोक एवं विशेष सचिव दिलीप कुमार, उप निदेशक नागेंद्र शर्मा एवं रंजन कुमार सिन्हा मौजूद थे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1745 लोगों का अभी तक जो 2 से 3 दिन में राशि प्रदान कर दिया जाएगा, और अभी तक नहीं गया है तो आपको वेट करना है। और फिलहाल एक काम आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, एक काम ये करना है कि आपसे सूचना दिया हुआ है कि उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आप सभी अपना अपना दस्तावेज जो सीपेट में जमा किए थे फिर से दस्तावेज अपना अपना जिला उद्योग विभाग में साथ ही आपको सिलेक्शन लेटर दिए जाएंगे, वो सिलेक्शन लेटर जाकर के जिला उद्योग विभाग में आपको जाना पड़ेगा। तो ये सब आप देख लीजिएगा, जो बहुत सारे लोगों का ट्रेनिंग सेंटर में ही दिया जा रहा है या तो जिला उद्योग केंद्र में जाकर के। वैसे क्या है कि ये वाला जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है ना कि डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट,
तो ये जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट दिया हुआ है, तो ट्रेनिंग आवर में आपको ले जाना है। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट से दिया गया है, जो ट्रेनिंग जिनका नहीं हुआ है तो ट्रेनिंग आवर में ये इतना सामान आपको लेकर के वहाँ पे जाना होता है। ये सब जितने भी दिया हुआ है ना, तो ये ट्रेनिंग आवर में लेकर के जाना होता है। तो वैसे क्या है कि जब आप प्रथम किस्त की राशि के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो वो मैंने वीडियो ये वाला मैंने वीडियो में बताया है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रथम किस्त हेतु आवश्यक कागजात कौन कौन से कागजात है, वो यहाँ पे मैंने दिया है। तो ये चीज़ आपको लेकर के वहाँ पे कहाँ पे जाना है, ट्रेनिंग सेंटर पे ही आपको जमा करना होता है, या तो DIC में जमा करना, दो जगह आपको जमा करना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ आपको लेकर के मेरा कहना है कि ट्रेनिंग जो सर्टिफिकेट है ये सभी लेकर के आपको जाना है। जैसे कटिहार का ये दिया हुआ था, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ कि नहीं, जिला उद्योग केंद्र में आपको जमा नहीं करना है, जमा कहाँ पर करना है, तो ट्रेनिंग सेंटर पर जमा करना है, समझ रहे हैं। तो एक शख्स ने ये बोला क्या कि सर क्या है कि ट्रेनिंग सेंटर पर भी है, और करा कि ट्रेनिंग सेंटर पर जब प्रथम किस की राशि के लिए ट्रेनिंग सेंटर पर जमा होता है, फिर उसके बाद DIC में जाना होता है, तो क्या है, नहीं आप खुद अपने ने जानेंगे तो आप लोग थोड़ा एक बार कन्फर्म हो लेंगे। मैं तो कन्फर्म हूँ कि ट्रेनिंग सेंटर पर दिया जाता है, समझ रहे हैं। तो ट्रेनिंग सेंटर के बाद भी अगर कहीं जाना होता है क्या, तो इसके बारे में आप पूछ लीजिएगा ट्रेनिंग सेंटर पर, समझ रहे हैं मेरे भाई। तो ये सब एक बार देख लीजिएगा, तभी आपको पहला किसकी राशि आएगा, नहीं तो ट्रेनिंग हो गया इंतजार करते रहिए कि भाई मेरा पहला किसकी राशि कब आएगा, वैसा थोड़ी होता है। तो जो पहला किसकी राशि के लिए प्रक्रिया है भाई, वो प्रक्रिया तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर SLA जमा करना पड़ता है, DPR हो गया, और ये लैंड लीज हो गया, लैंड एग्रीमेंट हो गया, ये 10 साल के लिए, तो कम से कम 7 साल के भी आपका लीज एग्रीमेंट अगर पिताजी के नाम से है तो लीज एग्रीमेंट चलेगा, पिताजी के नाम से नहीं है यानी खुद का नहीं है तो आपको रेंट एग्रीमेंट बना करके देना पड़ेगा। जो रेंट एग्रीमेंट कम से कम 7 साल का होना चाहिए, यहाँ पर 10 साल दिया हुआ है लेकिन 7 साल के लिए होना चाहिए। शपथ पत्र हो गया, ट्रेनिंग जो सेंटर होता है, ट्रेनिंग सेंटर पर जो ट्रेनिंग आपका जो सर्टिफिकेट मिला है वो सभी लेकर के आपको ट्रेनिंग सेंटर पे ही आपको ये कागजात जो प्रथम किस्त की प्रक्रिया के लिए उन्हीं को दायित्व दिया गया है ट्रेनिंग सेंटर वाले को, तो वो सब सारा काम आपको कर देंगे। अगर हो सकता है कि वो नहीं से करेंगे तो अपने जिला उद्योग केंद्र में जा कर के प्रथम किस्त की राशि के लिए आपको सारा डॉक्यूमेंट देंगे, तो वो आपका कर देगा। तो ये सब सारा प्रक्रिया है, और फाइनली जिन लोगों का ट्रेनिंग हो गया है तो आई होप आपका प्रथम किस्त की राशि आ जाएगा, ये इतना काम आप कर लेंगे। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST All Tips। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST All Tips टाइप करना है, BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा, टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरा लॉगो भी लग रहा है।